सन्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वैपुंसां विष्णुरेव सुरेतरः। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सन्निध्याते, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक नास्तिक और दूसरे भक्त। और क्योंकि भक्तों में भगवान के गुण होते हैं, यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति में उनका गुणगान कर रहे हैं कि आपकी उपस्थिति में सद्य नश्यन्ति, कि जैसे ही आप उपस्थित हुए, आप जैसे महान योगी, आप जैसे महान भक्त, कि आपकी उपस्थिति से ही सारे पाप सद्य नश्यन्ति, तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। वही निश्चित रूप से जिस प्रकार भगवान, जहाँ पर भगवान का नाम लेते हैं वहाँ पर सुर इतरह, जो सुर नहीं है, यानी कि जो नास्तिक है या जो असुर गण हैं, वो भगवान की उपस्थिति में टिक नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ, और बल्कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अभक्त, कि अभक्तों का काम है कि वो किसी तरीके से खुद भगवान बनना चाहते हैं, बल्कि भगवान की तो लिख रहे हैं कि वो प्रयास करते हैं कि भगवान का गुणगान किसी तरीके से ना हो, पर जैसे ही हम भगवान का संग करते हैं या भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो वो उनके सामने टिक नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद लिख भी रहे हैं कि भगवान के नाम की उपस्थिति से, श्रील प्रभुपाद भी एक बार श्रील प्रभुपाद के समय उन्होंने एक नया सेंटर खोला था, तो उस सेंटर में जो उन्होंने जो जगह ली थी, तो वहाँ पर ये प्रचलित था कि वहाँ पर भूत है। तो श्रील प्रभुपाद तो अपने संकल्प में दृढ़ थे, तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं। श्रील प्रभुपाद ने पूरी रात बैठ कर वहाँ पर जप किया और फिर उसके बाद से कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो जहाँ भगवान का नाम है वहाँ से जो भूत भी गायब हो सकता है। तो बल्कि नाम, रूप, गुण और लीला, तो यहाँ पर मतलब वैसे हमें लग सकता है कि ये मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी अपने हमारी लाइफ में कहीं हमने ऐसे देखा है कि वैसे तो श्रील प्रभुपाद और ये भगवद गीता में भी आ रहा है कि भगवान बता रहे हैं कि चार स्तर होते हैं, क्या है, इंद्रियाणि पराणि आहो 3.42, कि इंद्रियां जड़ वस्तु से ऊपर है ना, जड़ वस्तु से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो इस संसार में भी हम देखते हैं कि जड़ वस्तु के संपर्क से जड़ वस्तु शुद्ध हो जाती है, नहीं तो साबुन लगाने से, हम साबुन लगा कर नहाते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है, और बल्कि कपड़े धोते हैं तो वो भी साबुन लगा के, जड़ वस्तु से जड़ वस्तु शुद्ध होती है। और तो ये जड़ वस्तु हो गई। इंद्रियां, तो आप अच्छी सुगंध लेंगे तो आपको अच्छा लगता है, नहीं। और इच्छाएं, संगात संजायते कामः, एक कामी व्यक्ति का संग करेंगे तो काम वासना आएगी। या कोई आप किसी भौतिक दृष्टि में, अगर कोई आप किसी तथाकथित जिसको हम सक्सेसफुल बोलते हैं कि वो पैसे कमा रहा है, उसको देखते ही हमें पैसा कमाने की इच्छा आएगी कि मेरे पास भी उसकी वैसी चीज़ें, नहीं उसने आईफोन लिया तो मैं भी आईफोन लूँगा, उस वो गाड़ी चला रहा है तो मैं भी गाड़ी चलाऊँगा,
तो संगात संजायते कामा। और बल्कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो फिर उनको देख के लगता है कि हमें भी, हम भी बन सकते हैं। या कोई व्यक्ति अगर आईआईटी या डॉक्टर बनता है तो हमें लगता है कि हमें भी बनना चाहिए था, हम ऐसे ही रह गए। तो भगवान कह रहे हैं कि अलग अलग स्तर होते हैं। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्यो परमा मना मनसस्तु परबुद्धि, और क्या, यो बुद्धि परतस्तु परसस्तु सह। तो पर जड़ वस्तु भगवान श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में लिख रहे हैं, आई थिंक 6.35 में लिख रहे हैं कि जड़ वस्तु, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, जड़ वस्तु या जड़ वस्तु के संपर्क में जो इंद्रियां आती हैं, वो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि कई बार वो मन पे भी हावी हो जाती हैं। और बल्कि मतलब मन तो नहीं, वो वस्तु बुद्धि पे भी हावी हो जाती है। तो बुद्धि तो हमारी ऊंची है, इसलिए जड़ वस्तु वहां पर लिख रहे हैं कि जैसे जैसे स्नान करके हमारी इच्छाएं भी, हमें अच्छा भी लगता है, तो केवल जल के संपर्क से भी हम शुद्ध होते हैं, हमारे इच्छाएं बदल जाती हैं। और बल्कि इसलिए इसलिए ब्रह्म मुहूर्त है कि हमारा शरीर वही है, पर ब्रह्म मुहूर्त में आकर हम कुछ और होते हैं। तो इस संसार के संपर्क से हमारी इच्छाएं भी बनती हैं, और बल्कि हमारा संकल्प भी बनता है, जो कि हमारी बुद्धि का फंक्शन है। बुद्धि से ही तो हम अपना संकल्प चेंज कर रहे हैं। तो अगर हमारा अगर हमारी इच्छाएं बदल रही हैं, संगात संजायते कामहा, अगर हमारा संकल्प चेंज हो सकता है, तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्तों का संग करके, बल्कि भगवान के नाम रूप गुण और लीला का संग करके क्या हमारी आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती? इस संसार में जब सारी चीजें हो रही हैं, हम खुद अपने जीवन में हम देखते हैं कि हम परिवर्तित हो जाते हैं, या भगवान के बारे में जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो वही कह रहे हैं कि आप जैसे भक्त, आप जैसे महान योगी, महान योगी यानी कि आप जैसे जिनका महान संकल्प है, अगर आपको देखकर, अगर वास्तव में भक्तों का संग करना क्या होता है, इसका मतलब ये भी है कि जब भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि चार लेवल्स हैं, इसका मतलब है कि हम संग चार लेवल्स पे कर सकते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि मेरा कि मुझे शरीर को शुद्ध करना है, तो शरीर शुद्ध होगा। अगर हम सोचेंगे कि मेरे को तो विचार शुद्ध करने हैं, तो हम विचारों पे ध्यान देंगे। अगर हम सोचेंगे हमें बुद्धि शुद्ध करनी है, तो हम नॉलेज लेते हैं। पर अगर हमें आत्मा को शुद्ध करना है, यानी कि पाप करने की इच्छा ही खत्म करनी है, तो किसका संग करना है? हाँ, तो भक्तों के अंदर ये गुण देखना पड़ेगा कि उनके अंदर पाप करने की इच्छा नहीं है, केवल उनके चरण धूलि की बात नहीं हो रही, केवल उनकी सेवा की बात नहीं हो रही, उनके गुणों की बात हो रही है। और कौन से गुण की बात हो रही है? कि पाप करने की इच्छा तक नहीं है। तो ये इसलिए अलग अलग लेवल्स पे चैंटिंग होती है, चैंटिंग भी अलग अलग लेवल्स पे होती है, और सेवा भी अलग अलग लेवल्स पे होती है। तो इसलिए हम सेवा ठीक है, अपने आप को हम शुद्ध करने के लिए करते हैं, पर वो शुद्ध हम कपड़ों से नहीं हो रहे। जब तक हमारा स्वार्थ खत्म नहीं हो रहा, तब तक हम शुद्ध नहीं हो रहे। तो इसलिए संकल्प क्या होना चाहिए? संकल्प सेवा नहीं है, केवल सेवा संकल्प नहीं है, क्योंकि सेवा में तो अहंकार है। इसलिए हम क्या गा रहे हैं? तो तुलसी आरती में हम गाते हैं ना, क्या गाते हैं? सेवा अधिकार दियो। सेवा अधिकार, सेवा का अधिकार भी नहीं है अभी हमें। और अगर सेवा मिल गई तब भी एक्चुअली उससे पहले क्या गा रहे हैं? उससे पहले हम गा रहे हैं यही निवेदन करो, ये हमारा निवेदन है। एक्चुअली हम कहीं पिक्चर में है नहीं। यहाँ पर हम जो कीर्तन कर रहे हैं, हम जो आरती कर रहे हैं,
तो ये सब तो हमने निवेदन किया था तो हमें ये करने का अवसर मिला है, हम इसके योग्य नहीं है। जिस दिन हमें ये लगने लगेगा कि मुझे कीर्तन करना चाहिए या मुझे आरती करनी चाहिए, तो वो मतलब उसमें अगर हमें अधिकार लगेगा, अधिकार नहीं लगना चाहिए, हमने निवेदन किया है, यही निवेदन करो, तो निवेदन ज़रूर होना चाहिए। अधिकार नहीं है कि हमने ड्रेस बदल ली तो मेरा अधिकार है, उल्टा है। जितना हम भक्ति में ऊपर उठेंगे उतना हमें, इसलिए उतना हमें एक साधारण व्यक्ति को उतना साधारण व्यक्ति को उतना आदर देना पड़ेगा। भगवान को तो हर कोई आदर दे रहा है, व्यास आसन को हर कोई आदर देगा, पर साधारण व्यक्ति को कोई आदर नहीं देता। तो हमारी चेष्टा कहाँ होनी चाहिए? हमारी चेष्टा हमें हमेशा भक्ति में उन्नति का लक्षण यही है कि हम एक साधारण व्यक्ति से भी हम अपने आप को साधारण व्यक्ति से भी अपने आप को नीचे समझें जो भगवान का नाम नहीं ले रहा। और वास्तविकता यही है क्योंकि उसके अंदर कपट नहीं है, जो एक साधारण व्यक्ति है उसके अंदर कपट नहीं है, हमारे अंदर कपट है क्योंकि हम बाहर से तो चेंज हो गए, बाहर से चेंज हो गए, अंदर से वही है। तो वो व्यक्ति ज़्यादा शुद्ध है। हमने वो स्टोरी भी डिस्कस की थी ना ब्राह्मण और वैश्या की। तो एक साधारण व्यक्ति तो संसार में फंसा हुआ है, पर हो सकता है हम भगवान का प्रसाद खा के हम जेम्स बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसलिए अगर हमारी आवाज़ ऊंची हो रही है, अगर हमारी आवाज़ ऊंची हो रही है, अगर हमें गुस्सा आ रहा है, तो ये क्या है कि हम कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, हम फंस चुके हैं इस ड्रेस में। इसलिए आ रहा है कि यही निवेदन धरो। और इसलिए भक्तों का संग करने का मतलब है कि उनके अंदर शरीर की तपस्या है, शारीरम तप उच्चते। शरीर की तपस्या क्या है? हाँ, शरीर की तपस्या है आदर देना, शरीर की तपस्या आदर देना। और अगर हम झुक नहीं पा रहे किसी के आगे तो हम तो शरीर के स्तर पे भी नहीं है ना, हम झुक ही नहीं पा रहे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऐसे भक्तों का संग महायोगिन, तो लिख रहे हैं कि सद्य नश्यंती वही पुंसा, निश्चित रूप से पाप खत्म हो जाते हैं अगर वास्तव में भक्तों के इस गुण पर हम फोकस करें कि भक्त झुकते हैं, भक्त हमेशा अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ये गुण के, इस गुण के संपर्क में आना पड़ेगा और तब फिर हमारे अंदर वो चेंज आएगा। अगर केवल भगवान के नाम के बारे में सोचते रहेंगे कि कृष्ण है, बलराम है, वो खेल रहे हैं, मतलब केवल लीला से नहीं होता, वो हमें अपने स्तर से देखना पड़ेगा। ठीक है, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान की अपनी उनकी वो तो क्रीड़ा कर ही रहे हैं, पर उसके पीछे वो क्रीड़ा कब कर पा रहे हैं, भगवान को भगवान के सखा आनंद कब दे पा रहे हैं, जब वो भगवान के और भगवान के भक्तों के आगे झुकते हैं इसलिए वो आनंद दे पा रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि भगवान को आनंद किस चीज़ से मिल रहा है। भगवान को आनंद 56 भोग से नहीं मिल रहा, भगवान को आनंद तब मिल रहा है जब हम भक्तों को, एक साधारण व्यक्ति को आदर दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि सन्निध्याते महान योगिन पातकानि महान्ते अपि, महान से महान पाप भी कट जाएंगे अगर हम भगवान के भक्तों के इस गुण पर फोकस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुक्रपाद की जय।